गंभीर बाइबल से ग्रंथ सुनेंगे जो विशेष रूप से हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी उनको बहुत प्रभावित किए थे। ये अनुच्छेद मैं उसी को आप उनके समक्ष में पढ़ करके सुना रहा हूँ। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीन हीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यहाँ पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि जी हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित गण्यमान्य और यहाँ के अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गांधी विचारधारा के साथीगण, मुझे आज एक अवसर मिला कि गांधी जी के इस पुण्यतिथि पर दो शब्द कहने के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन को देखता हूँ, बहुत प्रभावित हूँ इनके विचारों से और मैं आज इस बाइबल का जो अनुच्छेद आप लोगों के समक्ष में पढ़ा, ये विशेष रूप से महात्मा गांधी जी को उनके दैनिक जीवन में बहुत ही प्रभावित किए थे। जब वे पढ़ाई कर रहे थे इंग्लैंड में तो ये इस अनुच्छेद को बारंबार अपने जीवन में पढ़ा करते थे और मंथन चिंतन करते थे और यह अनुच्छेद उनके जीवन को छू लिया। और धन्य है वे जो दीन हीन अपने को दीन हीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। और इस शब्द से उनको बहुत प्रभाव किया वह शब्द। और हम महात्मा जी के जीवन में देखते हैं कि ईसा मसीह का जीवन इनके जीवन को छुआ और इन्होंने एक सादगी जीवन सादगी जीवन उच्च विचार ये अपने व्यक्तित्व में रखे और हमेशा सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आत्मा बनाए, अपने जीवन का आधार बनाए, सत्य और अहिंसा। हिंसा इनके जीवन का अंग नहीं था, ये हमेशा
दूसरों की भलाई, हम भारतीयों की उत्थान, प्रगति और विकास के लिए निरंतर सोचते हैं और इसीलिए इन गतियां से प्रभावित होकर के अपने जीवन को जीते हुए पूर्ण रूप से अपने जीवन को हम मानव के लिए, हम भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए, खुद के विकास के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज भले ही इनकी शरीर को नष्ट किया गया पर इनका विचारधारा, इनका जीवन शैली आज भी हम भारतीयों के लिए बहुत प्रेरणादायक है, आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है हमारे बीच में और इसीलिए हम भारतीय। हमारा देश कई विकट परिस्थिति से गुजर रहा है फिर भी हम इनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, प्रेरणा ग्रहण करते हैं और इनकी जो जीवन शैली है, इनका जो विचारधारा है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आज हमारे इस महात्मा जी से विशेष रूप से मैं दुआ करना चाहूँगा कि हम जो विश्वासीगण है यहाँ पर, हम भारतवासी जो इनके पद चिन्हों पर विचार सब चलते हैं, हम लोगों को सशक्त बनाए, प्रेरणा देते रहे ताकि हम जनता की सेवा, दीनहीन के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत रहे। इसी शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी को विराम।